हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग के पास है महिंद्रा बोलेरो फॉर एडिशन एंड्रियास एंड्रॉयड। इसमें कोई भी बग नहीं है, ये एकदम अच्छी खासी कार है। और मैंने इसे एंड्रॉयड के लिए, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, 21st को ले आया हूँ। तो चलिए अभी से को डाउनलोड। डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इस फाइल का पासवर्ड है BYGTAINDIANMODIFICATIONS। आप लोग देख सकते हैं बाय जी टी ए इंडियन मॉडिफिकेशंस। अब बस इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं इसे कर चुका हूँ, जिसमें मैं इसे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। रिप्लेस रीप्लेस कर देने के बाद अब आप लोगों को सिंपली ओपन कर लेना है अपना जी टी आई एम जी टूल, जहाँ पर आपने अपने सैन एंड्रियास को इंस्टॉल किया है। डेटा एंड्रॉइड्स में, डेटा में com.rockstargames.com, फाइल्स टेक्स्ट डी बी जी टी आई एम जी सिलेक्ट कर लीजिए। ऐड फाइल्स विद रीप्लेस के ऑप्शन को चूज़ करिए। इसके बाद उस फोल्डर में चले जाइए जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया हुआ है, वो वैसे ये फोल्डर आपका डाउनलोड में मिल जाएगी। डाउनलोड में मैंने इसका DFF और टेक्सचर्स वाली फाइल अलग अलग एक्सट्रैक्ट की थी, इसलिए मैं यहाँ पे इस हिसाब से देख ले रहा हूँ। जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से जाइए DFF फोल्डर में, स्ट्रैटम को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद रीबिल्ड कर लीजिए अपनी आर्काइव को। जैसा कि हमारी GTA3.img फाइल यहाँ पे रीबिल्ड हो चुकी है, तो अब आप लोग को इसको कर लेना है सिंपली क्लोज। और अब बारी है ओपन करने की हम लोग को
TXD टूल। TXD टूल ओपन कर लेने के बाद आप लोग को करना है TXD, जहाँ पे हम लोग का फाइल है DFF, नहीं एंड्रॉयड डेटा कॉन डॉट रॉक स्टार गेम्स फाइल्स TXDB TXD TXD.txt को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे प्लस करिए फ्रॉम इमेजेस अनकंप्रेस्ड विदाउट अल्फा, और फिर यहाँ पे आप लोग को आ जाना है टेक्सचर्स, टेक्सचर्स वाले फोल्डर में आ जाने के बाद यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं आप इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग की सेटिंग्स होनी चाहिए ओवरराइट, इनेबल कैमरा पे से टिक हटा दीजिए, करेक्ट कैपिटल लेटर्स में कर दीजिए, चेक टेक्सचर हैश पे रहने दीजिए, और रिड्यूस टेक्सचर साइज़ वाले को भी अनचेक कर दीजिए। इसके बाद ओके कर लीजिए। अगर आप लोग इस हिसाब से नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कार विदाउट एनी कलर या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसकी सेटिंग्स आप लोग की यही होनी चाहिए। इंपोर्ट कर देने के बाद आप लोगों को सिंपली करना है इसका कैचे को क्लोज़। बस यहाँ पे हमारी जो कार थी इंस्टॉल हो चुकी है, तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर से इसका गेम प्ले देख लेते हैं कि ये फाइनली वर्क कर रही है कि नहीं। अगर गेम एक दो बार क्रैश करता है उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कार में कोई भी बग नहीं है, आप लोग इसे आराम से प्ले कर सकते हैं। आप लोग को बस अपने गेम को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना जो गेम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए इसका कर लेते हैं स्किप इंट्रो। अब हम लोग को स्पॉन करनी है अपनी बोलेरो। तो हम लोग ने जो इससे मॉडल को रिप्लेस किया है वो है स्टैटम। कार स्पॉन में आइए, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, स्टैटम की आईडी कुछ बहुत सारे मॉडल्स के बाद में आती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपनी महिंद्रा बोलेरो यहाँ पे आ चुकी है। इसके टेक्सचर्स देख लीजिए, लाइट वगैरह, लाइट ग्रिल सब अच्छे से यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। बैक लाइट वगैरह, व्हील सब का सब एकदम HD क्वालिटी का है और लोड हो चुका है। तो चलिए अब इसकी टेस्ट ड्राइव ले ली जाए। मुझे इसका कलर वाइट पे करना है, ये पूरी तरह से वाइट कलर पे नहीं है, इसका सेकेंडरी कलर भी है, इसको वाइट कर लूँ। चलिए अब इसको देखा जाए कैसी है अपनी महिंद्रा बोलेरो। ओह नो, क्रैश हो गई। कोई बात नहीं, रिपेयर हो जाएगी। तो ये रही अपनी महिंद्रा बोलेरो, जैसा कि लोग देख सकते हैं एकदम फुली वर्किंग है। कोई यहाँ पे बस एक बार आप लोग का हो सकता है बाय चांस गेम क्रैश कर जाए, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी रन कर सकती है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फर्दर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है अभी एक और भी कार है, और मैं उसकी अभी आप लोग को एक पिक शो करने वाला हूँ कि जो अगले वीडियो